अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। आज की वीडियो भी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यहाँ आज हम स्वीडन स्टॉकहोम में विज़िट करेंगे फैक्ट्री आउटलेट एरिया में, और यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। और वैसे तो ये एक्सपेंसिव है, स्वीडन जो है वो एक्सपेंसिव है, स्टॉकहोम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस वजह से एक्सपेंसिव है क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, और जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ की आवाम को बिल्कुल फ्री हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो जो बाकी आइटम्स हैं उस पर ये 30% टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये अपनी इनकम को बाकी सारी चीज़ों में अगर खर्च नहीं करते, मतलब अपने बच्चों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सारी चीज़ों पर खर्च नहीं करते, तो ये इतना निकाल लेते हैं कि 30% टैक्स पर आइटम जो है वो पे कर सकें। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ और वहाँ की करेंसी जो करोना है उसको देखें तो डिफरेंस इस तरह से है कि वहाँ जो पाकिस्तान के 20 रुपीज़ के इक्वलेंट उनका 1 करोना, तो हमारे लिए तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। इस वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर आज फैक्ट्री आउटलेट एरिया में आए, लेकिन यहाँ पर आके भी पता चला कि चीज़ें अच्छी खासी एक्सपेंसिव ही हैं यहाँ पर भी। और यहाँ मैं सारी कौन कौन से ब्रांड को विज़िट कर रही हूँ और कुछ आर्टिकल्स की प्राइजेस भी आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ। आप उसे 20 से मल्टीप्लाई करके पाकिस्तानी रुपीज़ में आइडिया लगा सकते हैं कि कितना होगा। और अगर मैं वैसे देखूँ कि ये नाइक और स्केचर्स और ये जितने भी सारे गैस और ये सारे ब्रांड्स हैं, इनके अगर जो पाकिस्तान में प्राइस है ऑलमोस्ट इतनी ही कन्वर्ट करके बनती है जितनी के मैंने वहाँ पर देखी। अदरवाइज़ तो देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही लगा, शायद अपनी करेंसी की कन्वर्जन की वजह से या वैसे ही। और ये है कि वहाँ पर क्वालिटी जो है इट इज़ मच मच बेटर, और जो स्टॉक है, जो वैरायटी है, दैट इज़ मच मच मोर, क्योंकि उनके तो यही ब्रांड है। हमारे पास एक लिमिटेड से लोग हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह के ब्रांड्स को बाय करते हैं। इस वजह से शायद जो क्वालिटी है शायद वो भी उतनी अच्छी नहीं है, और जो स्टॉक है, जो वैरायटी है, ऑब्वियसली वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए और गेस करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी इस ट्रैवल से रिलेटेड इस जर्नी में जो भी मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप घर पर बैठ के फिनलैंड की, स्टॉकहोम की और स्वीडन की बहुत सारी जगहों को विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जाइए क्लिक कीजिए और देखिए। और साथ ही साथ मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ, आप इनके प्राइजेस को भी चेक कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, बहुत बोल लिया वैसे, तो अब आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कैसी रही।